तो मैं बना रही हूँ अभी खाना एंड आज स्पेशल बन रही है अरबी का सब्जी मसाले वाला एंड साथ में चावल। तो बस इसकी प्रिपरेशन तो मैंने कर ली है, टमाटर प्याज ये सब काटना है एंड देन सब्जी छौरना है। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, सब्जी मैंने धो कर रख लिया है। तो सबसे पहले डाल दूँगी तड़के में जीरा एंड देन फिर ये अदरक और साथ में मिर्ची काटकर, देन अब डाल दूंगी ये प्याज। वैसे तो अरबी की सब्जी में बहुत लोग प्याज नहीं डालते, मेरे घर में भी नहीं पड़ता है, बट मुझे प्याज पसंद है। इसको कर लिया मैंने अच्छे से मिक्स, बचा हुआ प्याज भी अच्छे से डाल लेती हूँ। तो अब प्याज यहाँ पे हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया है, ब्राउन भी हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये हमारी सब्जियाँ। एंड आप बताना कि आप लोग को अरबी का सब्जी कैसा लगता है, मुझे तो वैसे काफ़ी पसंद है। सब्जी हो गया मेरा, जल्दी से एक कचौड़ा उठा लेती हूँ एंड अभी कूलर में पानी वानी भी भरना बचा है, मतलब रात भर में पूरा पानी सूख जाता है एंड इतनी ज़्यादा अभी गर्मी लग रही है कि बिना कूलर के काम नहीं हो सकता। तो यहाँ मैंने पानी भरने के लिए लगा दिया है एंड आई थिंक ये भर तो चुका ही है पानी, हाँ भर गया है। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ फाइनली झाड़ू वाड़ू लगाने, रूम की सफाई करने की, बिकॉज रूम की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो, लुक एट माय रूम, क्या दिख रहा है। एक्चुअली रात को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि मेरे को कूलर के जस्ट सामने ये गद्दा खसका के लगाना पड़ता है, बिकॉज जब से नवतप्पा चालू हुआ है लग ही नहीं रहा कि ये कूलर काम भी करता है कुछ, इतनी ज़्यादा गर्मी। एक दिन तो पूरे रूम में जैसे ओस पड़ता है तो हो जाता है ना पूरा ऐसे पानी की बूंदे बूंदे बूंदे, वैसे हो गया था। तब मैंने ये बाथरूम का दरवाज़ा खोल के एग्जास्ट चालू किया, पूरा खिड़की विड़की खोला, तब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। इसीलिए मैं रोज़ फिर गद्दा यहाँ सामने रख के ही सोना पड़ता है। यहाँ ये कचड़ा पहले हटा लेती हूँ मैं, यहाँ पे ये देखो मच्छर भी मैं मार मार के रात को गिराती हूँ, इतने ज़्यादा मच्छर काटते रहते हैं। तीन तीन अगरबत्ती मैं जला लेती हूँ, लुक एट दिस, तीन तीन अगरबत्ती मैंने जलाती हूँ फिर भी ये मच्छर है कि भागने का नाम नहीं लेते। तो खाना बनाना है, नहाना दोनों हो गया डन, खाना वाना मैं ले गई हूँ साथ में, अब काट रही हूँ खाने के साथ प्याज। तो ये काट लिया है मैंने छोटा सा प्याज एंड बस बंद करते हैं किचन का लाइट एंड चलते हैं रूम में ही खाने। सारा खाना यहीं पे ला ली हूँ मैं। ये है आज की टेस्टी अरबी की सब्जी, तड़ा, जिसे मैंने थोड़ा सूखा ही रखा है बिकॉज थोड़ी ज़्यादा थी सब्जी, फिर रस वाला बनाती तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता एंड यार मुझे ना एक सब्जी दो टाइम खाने का बिल्कुल मन नहीं होता, मुझे लगता फ्रेश बनाओ, फ्रेश खा के ख़त्म कर दो, इसलिए मैंने उसको फिर सूखा ही रखा था कि एक ही बार खा के वो हो जाए ख़त्म। हे गाइस, तो खाना खा के मैं थोड़ा सा आराम कर ली थी एंड अभी बस मैं निकल रही हूँ ट्यूशन के लिए, तो मिलते हैं शाम को। A few hours later. हे गाइस, सो बैक टू रूम एंड बाहर अभी वैसे पूरा शाम हो चुका है, कंप्लीट 7 बज गया है, बट बाहर ऐसा लग नहीं रहा, फील तो बिल्कुल नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा धूप सॉरी मतलब गर्माहट जो है ना पूरा लू मार रहा है धूप में। सो गाइस, अभी हाथ मुँह धो के चेंज वेंज करके मैं जा रही हूँ अभी रेस्ट करने के लिए, देन उसके बाद आराम से खाना बनाऊँगी। वैसे खाने के लिए मैं सोच रही हूँ आज ब्रेड आमलेट बना लूँ, मैं कल अंडा लेके आई थी एंड आज फ्रेश ब्रेड भी डाली हूँ तो वही बना के खा लूँगी। एंड यार अभी जाती हूँ पहले पानी वानी पीने मस्त, वो घोल के ORS घोल के, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। सो गाइस, अब मैं बनाने जा रही हूँ मेरा ये अंडा ब्रेड, ब्रेड मैंने ले आई थी एंड सारी प्रिपरेशन कर ली हूँ, गैस वैस ऑन कर ली हूँ एंड बस फटाफट दो अंडा है मेरे पास तो दो ब्रेड आमलेट मेरा बन जाएगा। एक ब्रेड आमलेट में मेरा काम तो होने से ना, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कड़ूँ तुसी खाने से मेरा कुछ नहीं होता, तो इसलिए दो ब्रेड आमलेट तो चाहिए एंड साथ में अगर मुझे लगेगा तो एक्स्ट्रा बचे हुए ब्रेड भी सेक लूँगी अलग से। सो ये है मेरा ब्रेड आमलेट, अब बारी है इसको पलटने की, आई होप सो कि ये बिना टूटे पलट जाए एंड फाइनली आई डिड इट, बिना टूटे पलट गया। सो गाइस, फाइनली ये मेरा रात का टेस्टी खाना बन गया है, तो बस इसको करते हैं इंजॉय। सो हे गाइस, मैं भी सो रही थी एंड ये मच्छरों का आतंक, ये देखो यहाँ पे भी उड़ रहा है, ये इन मच्छरों का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया है, इधर नहीं दिख रहा उतना, इधर दिखेगा बॉस, लुक एट दिस, ये सारे मैंने मारे हैं, मैंने सोते सोते जग जग के फ्लैश लाइट जला जला के मारे हैं इनको। रात के 2 गए गाइस, फिर से एक अगरबत्ती जला रही हूँ एंड आई होप सो कि अब सो जाऊँ।
हे गाइस, फाइनली गुड मॉर्निंग। यार एकदम नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है, रात को मच्छर हो जाए, इतना लेट हो जाता है सोने में। बट कोई नहीं, अभी उठ चुकी हूँ, जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाती हूँ, देन भूख लग चुकी है तो एक ही बार अपना ब्रंच बना लेते हैं। गाइस, तो अभी मैं बना रही हूँ आज का स्पेशल मेरा आलू भाटा नेशनल वेजिटेबल। बट वो जो देसी वाला होता है, बैगनी वाला बोला नहीं, वाइट वाला भाटा बना रही हूँ मैं, मसाले वाला जो बनता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है चावल के साथ। एंड साथ में आलू भी फ्राई कर रही हूँ, एंड मसाले यहाँ पर पक रहा है, साथ में मेरा बर्तन वर्तन सब कंप्लीट हो गया, बर्तन धुल चुके हैं, ब्रश भी मैंने यहीं पे कर लिया था बिकॉज यहाँ पे पानी थोड़ा सा ठंडा आता है। एंड अब चलते हैं फिर रूम में झाड़ू वाड़ू मार के सफाई करने। तो सबसे पहले ये डिब्बा हटा लेती हूँ जिसमें मैंने फंसाया था ये अगरबत्ती का स्टैंड, इसको रख देती हूँ अपनी जगह पे। एंड अब इस साइड पहले झाड़ू लगा लेती हूँ ताकि फिर वो गद्दे को मैं अपनी जगह पे खसका के रख सकूँ। गाइस, रूम क्लीनिंग हो चुकी है डन, साथ में मैंने यहाँ पे चावल भी सेट कर लिया है बनाने के लिए, तो बस ये चावल चढ़ा देती हूँ। एंड यहाँ पर मेरी सब्जी भी 80% तक हो चुका है, बस ये थोड़ा सा बैगन गलना बचा है, बाकी आलू तो आधे पक गए हैं, मसाले भी भुन चुके हैं। एंड अब जा रही हूँ मैं कपड़े धोने, साथ में मैंने बाल में तेल भी लगा लिया था क्योंकि आज मुझे बाल धोना है, तो बस बाल धो के नहाना है, कपड़े धोने हैं, एंड देन काम कंप्लीट। सो कूलर में यहाँ पे पानी भरना भी हो चुका है डन, पाइप निकाल के रख देती हूँ। सो गाइस, कपड़ा वपड़ा धोना भी हो चुका है डन, एंड खाना भी बन चुका है। एंड ये है मेरी आज की टेस्टी सब्जी, आलू भाटा की, वाइट वाले बैगन की, जो कि मैंने अच्छे से गला दिया है, चावल भी बन चुका है, इसमें सीटी भी मार दी है। सो गाइस, नहाना धोना हो चुका है कंप्लीट, अब जा रही हूँ फाइनली खाना खाने, चावल दाल सब अंदर वाले रूम में ले जाके बैठ जाती हूँ क्योंकि वहाँ कूलर की ठंडी हवा आ रही है।